जी हाँ, ये एक एम आई ऑडिबल, आप जी मुझे हाँ, सुन पा रहे हैं? जी आपकी हाँ, आवाज सब सबको सुनाई पड़ रही ये, है। हाँ जी, पहले मैं कहूंगी कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि लोगों को एक ऐतिहासिक मौका मिल रहा है अपनी सरकार चुनने का, इतने सालों के बाद, विदाउट विदाउट एनी थ्रेट्स फॉर सेपरेटिस्ट, विदाउट हड़ताल कॉल्स भी नहीं है, बॉयकॉट कॉल्स भी नहीं है, और ये चुनाव हो रहा है 40, ये चुनाव कवर कर रहा है 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 7 जिलों में हो रहा है, जिसमें जिसमें कि सांबा, जम्मू, उधमपुर और कठुआ जम्मू रीजन में आते हैं, और बांडीपोरा, कुपवारा और बारामूला आते हैं, कश्मीर रीजन में आते हैं। तो पहले जो चुनाव हुए थे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के, तो फर्स्ट फेज में हुआ था मोर देन 61% वोटिंग, और सेकंड फेज में हुआ था मोर देन 58% वोटिंग। तो इस बार भी उसी हिसाब से, बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा वो वोटर टर्न आउट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा करती है कि लोग जो पहले झूठे बहकाव में आते थे पॉलिटिकल पार्टीज के, जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके झूठे बहकाव में आते थे, वो गेम खेलते थे, इलेक्शन गिमिक, वो गेम्स खेलते थे इलेक्शंस के टाइम, लेकिन लोगों को अब ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। वो चाहते हैं कि इस चीज़ से अलग कुछ हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, वो इन चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं। तो लोगों ने इसी वजह से जोर शोर से अपने मत का प्रयोग किया, क्योंकि वो चाहते हैं उनको अच्छी नौकरियां मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको गुड गवर्नेंस मिले, उनको स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट हो वहाँ पे। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज है। अब हमने ये देखा है कि पिछले 70 साल में जो वहाँ की रीजनल पार्टीज थी, जो वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे एनसी, पीडीपी वगैरह, तो वो रीजनल स्पेसिफिक पॉलिटिक्स का यूज़ वहाँ पे करती थी, जैसे ऑटोनॉमी दिलाएंगे, वो करेंगे, ऐसे वो झूठे वादे कर करके लोगों को वो करती थी, गुमराह करती थी। तो लेकिन ये जो अच्छा, और पहले जो वोटिंग होती थी वो सिंगल डिजिट में होती थी, उसका ये रीजन था कि लोग वोट के लिए आ ही नहीं सकते थे बाहर, बायकॉट कॉल्स होती थी, हड़ताल होते थे, पत्थर स्टोन पेल्टिंग होती थी, तो लोग वोट के लिए आ ही नहीं सकते थे। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि रिकॉर्ड वोटिंग होगी। वो उसका रीजन ये है कि जो मेरे ख्याल से सेपरेटिस्ट, सुनीता वकील जी, अगर पिछले तीनों चरणों को देखा जाए और आज का भी अगर काउंट ना करें, तो श्रीनगर में सबसे कम वोटिंग हुई है, बनिस्बत बाकी सारे इलाकों में वोटिंग जी अब तक बहुत ज्यादा ही रही है। तो संदेश आप जी भी बहुत साफ यहां पर दे रही हैं। तौसीफ शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बीच में कई चीज़ें आ रही थी, फिर बीच में तौसीफ शाह जी से संपर्क हमारा टूट गया। पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। तौसीफ भाई, अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें, लोगों का हुजूम, लोगों की लाइनें, वोटिंग के लिए आगे आना और अपने हक का इस्तेमाल करना, पहला सवाल ये कि ये तस्वीरें आपको क्या हौसला देती हैं, क्या इशारे देती हैं? राजीव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी सॉरी, बीच में नेटवर्क में कुछ ना थोड़ी दिक्कत आई थी, जी इसलिए जी डिस्कनेक्शन हो गया था। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हम तो मानते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत है, कि जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे जो उधर जो लोग लाइनों में खड़े होके, बहुत देर से 30 साल हो गए थे लाइनें देखते हुए यहाँ पर वोटिंग स्टेशन के बाहर। तो ये तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी की बात है कि लोग, जैसे हमने 2 फेजेस पिछले देखे और ये तीसरा फेज है, इसमें भी चलिए माशाल्लाह ऊपर वाले के फजल से, ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ ठीक ही रहा। उतनी कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ।
तो इसके आगे भी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो बहरहाल डेमोक्रेसी की जीत है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे ये अभी रविंद्र राणा जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, जो अभी बात कर रहे थे तब तक मैं कनेक्टेड था आपके साथ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे वो बता रहे थे कि पिछले 10 साल से जो विकास हुआ है या जो भी उन्होंने बताया कि जैसे लोग वोट करने निकले हैं, वो शायद बीजेपी के लिए वोट करने थोड़ी निकले देर के लिए आपको रोकता हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ। तौसीफ भाई थोड़ी देर के लिए माफ करें, कविंदर राणा को सुन लेते हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं। सर आज जिस तरह से थर्ड फेज और फाइनल फेज की पोलिंग है, किस तरह देखते हैं? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि एक उत्साह है लोगों के बीच में, और इस समय के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। कश्मीर में आप लंबी लंबी लाइनें देख करके ये कह सकते हैं कि कितना उत्साह है। पिछले जो फेज रहे हैं उसमें भी भारी मात्रा में यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। पहले 4% 5% लेकर के यहाँ पर एमपी एमएलए बन जाया करते थे, लेकिन आज लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपना आभार भी जताया है और उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट की है। तो विश्वास है कि जो 8 तारीख को सरकार बनेगी वो लोकतंत्र के हित में होगी और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। सर काफी मुद्दे भी अभी रहे हैं इन इलेक्शंस में, अभी जैसे खड़गे साहब ने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हम किसी के लिए इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकते, उनको अपनी भाषा पर संयम नहीं होगा। वो मोदी द्वारा विकसित किया हुआ भारत निर्माण देख करके जाएं और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी देखें कि कांग्रेस ने इस देश का क्या हाल किया था और भाजपा ने कहां तक पहुंचाया है। वहीं सर जो नसरुल्ला जो मारे गए हैं हिजबुल्ला के जो लीडर थे, उस पे महबूबा मुफ्ती ने अपनी कैंपेनिंग बंद कर दी, वो भी एक इशू रहा, उस पे क्या कहेंगे? देखिए ये उनका विषय हो सकता है, लोगों के लिए क्या था वो अलग बात है, लेकिन ये अब कोई नए नए पैंतरे बदल करके महबूबा और उमर अब्दुल्ला दोनों इस चीज को क्या जताना चाहते हैं। पहले भी जो लोकसभा में इनकी हार हुई है, अब कुछ चाहते हैं कि कुछ ट्रेंड कोई ऐसा सेट करें जिससे कि लोग इनके हित में जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल लगता नहीं। लोगों ने लोकतंत्र के प्रति आस्था प्रकट करके विकास के हित में वोट करना है। वहीं से कांग्रेस ने स्टेटहुड का मुद्दा, राहुल गांधी का कहना है हम प्रेशराइज करेंगे स्टेटहुड, लेकिन इनको करने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है ना तो ये आएंगे ना ये प्रेशराइज कर सकेंगे, हम खुद ही लोगों के प्रति, लोगों से हमने जो जुबान की होती है उसको पूरा करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। धन्यवाद। गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर अपनी बात रख रहे थे। तौसीफ शाह जी भाई अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे आपको रोकना पड़ गया था। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी रविंद्र राणा जी या कविंदर गुप्ता ने जी भी अभी बात की जी, तो ये बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 5 साल से पहले जो बेरोजगारी का रेशियो था वो 24% था, अभी वो उठ के अप्रॉक्सिमेटली 47% हो गया। और दूसरा ये बात ये बोल रहे हैं कि जैसे 2019 में जो 370 धारा 370 को हटाया था इन्होंने, तो तब यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 6 महीने का बंद हुआ था, अप्रॉक्सिमेटली 6 महीने का बंद हुआ था, और उसके बिल्कुल साथ साथ ही फिर दोबारा कोविड स्टार्ट हो गया था जो नियरली 2 साल के लिए बंद रहा। तो इन्होंने ये देखिए आप ये जुमलेबाजी क्या है कि ये बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, यहाँ तो कोई उतना बड़ा बिजनेसमैन है नहीं, यहाँ ज्यादातर यहाँ भी बड़े बिजनेसमैन है मगर ज्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ बड़े छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो लोन्स जो उन्होंने बैंक से लिए थे उस पर कोई सुविधा नहीं दी गई, ये नहीं सोचा गया कि 3 साल से बंद है, बिल्कुल 3 साल से कोई कारोबार नहीं चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने धारा 370 हटाने के बाद जो दूसरा हमला जम्मू कश्मीर की स्टेट पर बोला, यूनियन टेरिटरी पर बोला, वो ये था कि दरबार मुंह से जो जम्मू श्रीनगर की मदद करता था और श्रीनगर जम्मू की मदद करता था, जैसे 6-6 महीने में दरबार हमारा शिफ्ट होता था जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, तो यहाँ के लोग वहां पे परचेजिंग करते थे, नेचुरली वहां के लोग भी यहाँ परचेजिंग करते थे जब यहाँ 6 महीने के लिए आते थे। तो वो चीज इनको जहन में नहीं रही कि लोग सड़कों पर बाहर आए कि वहां बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, वहां दुकानदार जिनके वहां पर बात करने के लिए फुर्सत नहीं हुआ करती थी विंटर्स में,
वो आजकल बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो ये चीजें भूल रहे हैं कि इन्होंने लोगों का विकास नहीं किया है। हाँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विकास किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने जैसे दिल्ली में जाके ये 400 सीटों के लिए 370 को बेच रहे थे। अगर सही मानों में इनको लगता था कि 370 से पहले या ये हैमिल्टनसी थी, जैसे अभी मेरे एक भाई ने बताया, मैं जवाब दूं, जो हमारे सर 2 मिनट एक बार मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, जैसे कंप्लीट करने दीजिए जरा। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी हमारे प्रवक्ता ने बताया कि अगर हम बाकी स्टेट्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां ना 370 था ना 370 होगा, पर वहां भी बेरोजगारी है, वहां भी लड़कियां हमारी सेफ नहीं है, वहां भी बच्चे सेफ नहीं है, वहां भी रॉयट्स होते हैं, वहां भी हर वैसी चीज होती है। हाँ, ये क्या है कि ये चीज है पुलिस को कंट्रोल करने की, जो इन्होंने नहीं किया, जो इन्होंने धारा 370 हटाने के बाद ही किया, बिकॉज इनको लोगों को दिखाना था। ये चीजें इससे पहले भी हो सकती थी। अब आप कहेंगे कि यहां पर लोगों को नहीं लगता था कि हिंदुस्तान में है, यहां पर हमारे यहां पर मेरे बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैंने यहां बुलवार्ड रोड के ऊपर जो जो हमारा करण पैलेस, पहले जो पैलेस हुआ करता था महाराजा का, वो द ओब्रॉय होटल था। वो हिंदुस्तान की एक चेन है, बहुत बड़ी ओब्रॉय चेन है, आपको भी पता होगा। तो वो चेन यहां पर मेरे ख्याल से 1950 से ऑपरेटिव थी। तो अगर अब हम ये कहें कि भाई हिंदुस्तान के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं दी जाती थी या वो यहाँ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, अच्छा दूसरा अपना हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड जो वो अपनी गाड़ियां जो गड़ी बनाती, सॉरी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सॉरी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी HMT, तो उनका जो यहाँ पर फैक्ट्री थी वो यहाँ श्रीनगर के अंदर शालटेंग एरिया में मेरे बचपन से थी, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, कहाँ काम कर रहे हो, मैं जी फलानी गड़ी की कंपनी में काम कर रहा हूँ जी, HMT में काम कर रहा हूँ। तो वो अच्छा बात यह है कि वो जो इलाका है उसका नाम ही है HMT चौक, उसको बोलते ही है, उसको अभी भी HMT चौक बोलते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल झूमा है। मतलब आपके इशारा यही देना चाहते हैं यहाँ पर कि ये सारी जो चीजें हैं ये वहां पर मौजूद थी, लेकिन इनको एक एक तरीके से पलीता लग गया और अब जो फिलहाल हालात हैं उसमें ये जो लंबी लंबी भीड़ निकल रही है ये एक चेंज की तरफ इशारा देती हुई दिख रही है। मैं माफी चाहता हूं लेकिन अभी दिन भर लगातार वोटिंग चलेगी, आप लोगों को फिर रेस्पेक्ट के साथ हम एक बार फिर बुलाएंगे। फिलहाल